Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Once again, thank you very much for coming on my YouTube channel and watching the video. Today I am in paneer process plant and I just wanted to show you how the paneer is made and how the milk is processed into these plants, and there are few machines on which a paneer is made. We will explain you everything in detail about the machine as well as the milk he is using. The quality of milk he is using as the process is really good. You won't get to see how a paneer is made. It is using advanced technology machines on which the machines are clean. As I hope you will enjoy the video, and दिस वीडियो विल बी इन हिंदी. तो फिर मैं यहाँ चालू करने के पहले बता दूंगा आपको कि मैं बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में हूँ और एक छोटे से गांव में. उसका स्पेशलिटी ऐसा है कि जो आसपास का दूध जो देता है वो बहुत ही प्योर है, क्योंकि यहाँ से कृष्णा नदी फ्लो होता है. और उसके अलावा इधर का स्पेशलिटी ये है कि ये इधर लूम्स बहुत है, मतलब पावर लूम. जो मैंने टेक्सटाइल का वीडियो डाला था वो भी फेमस है, और दूसरा जो चीज़ है वो दूध के लिए फेमस है. और यह प्लांट में दूध से पनीर बनता है, खवा बनता है और बासुंदी बनता है, और उसके अलावा घी भी बनता है. वो सब बहुत ही फेमस और प्योर है. इसके लिए ये मैं बता दूंगा कि ये कैसे होता है, ये सब प्रोसेस. तो शुरू करते सर जी से पूछ के. तो सर, आपके इधर दूध कहाँ से आता है, मतलब क्या ये जानकारी दे सकते हैं? और दूध टेस्ट कहाँ पे होता है, ये मतलब आप कौन से मशीन से कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं दूध चेक करने के लिए? उसका मेथड क्या रहता है, फैट परसेंट कैसे चेक करते हैं, ये थोड़ा सा बता सकते हैं आप? हाँ सर, इधर दूध गोली और फार्मर से आता है सर. 10 बजे के अंदर दूध सब आ जाता है इधर, और बाद में इधर आके क्वालिटी चेक करते हैं. बैटरोमीटर में फैट वगैरह चेक करते हैं, डिग्री चेक करता है, एसएनएफ चेक करता है, और दूध में कितना पानी है क्या है. वो इकोबॉन्ड मशीन है, उसमें दूध चेक करते हैं. और आप दिखा सकते हैं कौन सा टेस्ट ये मेथड से, मतलब आपके इधर? वो गोली के लिए बैटरोमीटर बोलता है सर, वो बैटरोमीटर में चेक करते हैं. वो उसमें बाद में डिग्री चेक करते हैं, उसमें डिग्री चेक करने के बाद एसएनएफ कितना है क्या है मालूम पड़ता है. और दूध में कितना नाइट्राइट्स वगैरह केमिकल डिपॉजिट जो है वो सब पता चलता है क्या इसमें? उसमें एसएनएफ, प्रोटीन और पानी का दिखाते हैं. वो हम फार्मर से लेते हैं ना, वो ज़्यादा चेक नहीं करते, वो अच्छा दूध आता रहता है. थोड़ा उसके लिए वो पैट, एसएनएफ और पानी, इसमें कंटेनर्स कितना है, प्रोटीन कितना है, देखते हैं हम. दिखा सकते हैं वो? लैक्टो कैन में चेक करते हैं हम. अच्छा, वो मशीन लैक्टो कैन दूध डालते हैं क्या इसमें? दूध डाल के इधर सब बताता है. अच्छा, हाँ सर, इधर से दूध डाल दिया तो इधर क्या है सब दिखाता है. अच्छा, ये अभी पानी है दूध का बोले तो ऐसा ये करके वो बताते हैं. इसका टाइमिंग रहता है थोड़ा. ओके, वो एक 20 सेकंड लेता है, 20 सेकंड में सब जानकारी देता है. और ये सब कौन से, मतलब इसमें 2-4 टेस्ट होता है बोलते हैं सर इसको, और ये पिपिट बोलते हैं. इसमें एसिड और अल्कोहल और दूध डालने के बाद कितना फैट है वो बताता है, दिखाता है वो अंदर में. इसको डिग्री बोलते हैं. ओके, ये डिग्री में क्या होता है सर? ये डिग्री में कितना डिग्री है, पानी क्या पानी रहेगा तो अंदर जाता है, नहीं तो वो अच्छा दूध रहेगा तो ऊपर ज़्यादा डिग्री दिखाता है वो. ओके, मतलब फूड अडल्ट्रेशन जो बोलते हैं, पानी मिक्स किया रहता है, वो किया रहेगा तो सेटअप के लिए वापरते हैं. वो कितना पैट है उसके हिसाब से कितना डिग्री आने का है वो मालूम पड़ेगा. तो उसके एक चार्ट रहता है, उसके हिसाब से वो एसएनएफ हमको मालूम पड़ेगा कितना दूध अच्छा है क्या नहीं. ओके, इसमें फैट परसेंट मिलता है अपने को, इसमें से अपने को जो केमिकल्स है, पानी कितना है वो भी पता चलता है. और यह ऐसे एक स्टार्टिंग प्रोसेस है जो मिल्क आने पे हम चेक करते हैं. तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए भी जाते हैं। वेट कैसे करते हैं, मतलब मिल्क का सब वेट कौन से मशीन से करते हैं, मतलब कितना लीटर आ गया, कौन सा मशीन यूज़ करते हैं इसके लिए? फैट वगैरह अच्छा करने के बाद दूध अच्छा रहेगा तो इसमें वेट करते हैं, ये वेट करने के लिए है सर, ये वेटिंग मशीन। बाद में इधर नीचे लेते हैं, बाद में वो वेट करने के बाद नीचे लेके इधर प्रोसेसिंग कोल्ड चिल्ड करते हैं। पहला दूध को अच्छा से चिल्ड करते हैं, चिल्ड में आईबीटी, इधर आईबीटी है, आईबीटी में पहला चिल्ड करके दूध लेते हैं। बाद में उसको क्या क्या बनाने का है ना, उसमें इसको लॉट करते हैं, कवा बनाने का है या चक्का बनाने का है, दही बनाने का है, तो कितना क्या है, आज आर्डर है वो सब बनाते हैं हम। उसमें 2000 लीटर है हमारा, उसमें पार्टेबल आज ऑर्डर क्या है उसके हिसाब से लॉट करके बनाते हैं। इधर से वो पाइपलाइन है, एक सैंपल दिखा रहे हैं पानी डाल के, मतलब कैसा दूध जाता होगा। इधर कोल्ड होता है क्या सर? इधर क्या रहता है? कोल्ड करता है, चिल्ड करता है, मतलब दूध को ठंडा कर देता है। एक प्रकार का ये रेफ्रिजरेशन टाइप, एक इसको क्या बोलते हैं सर? आईबीटी, जिस एक मशीन है जिसमें से इतना सारा दूध ठंडा हो जाता है और इधर से जाके ये कैन में दूध आता है। बाद में उसको पनीर चाहिए तो पनीर के लिए लॉट बनाते हैं सर, ये पनीर प्लांट है, ये बैक्टीरिया कम करता है। वो पाइप है ना, ये है राउंड राउंड, वो इसमें 12 मिनट होल्डिंग होता है दूध, उसमें बैक्टीरिया कितना है क्या है ख़त्म हो जाता है, अच्छा दूध बन के वो आगे जाता है। ये क्या करता है, रॉ मेटल दूध डालते हैं अंदर, वो 90 डिग्री होने के बाद, गर्म होने के बाद अपने आप उधर जाता है। इसका एफटी ऑल सिस्टम है, ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होने के बाद वो खुद जाता है, 90 डिग्री से कम हो जाएगा तो फिर वो गर्म करता है, फिर से गर्म करता है। मतलब उसमें उसके अंदर थर्मोस्टेट जैसा चीज़ रहेगा जिसमें से कोल्ड होने के बाद इमीडिएटली वो फिर से चालू होता है और हीट करना लगता है दूध के लिए। थोड़ा कम टेम्परेचर आ गया तो फिर वापस दूध गर्म करते हैं, वो रिटर्न लेके वो जाने का बंद होता है और बाद में रिटर्न आके गर्म हो जाता है, जिसके यूज़ से, जिसके मदद से हम बैक्टीरिया निकाल के गर्म करते हैं दूध को। ये मशीन को क्या बोलते हैं सर? पनीर प्लांट। पनीर प्लांट, हाँ, पनीर के लिए दूध गर्म करने के लिए वापरते हैं। ओके ओके, और ठीक है, मतलब ये सब उसका कंट्रोल पैनल है और जिसके थ्रू हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कितना डिग्री चाहिए। वो पनीर गरम करने के लिए 90 डिग्री चाहिए, उसको 90 डिग्री ज़रूरत है उसको होने के लिए। ओके, 90 डिग्री गरम होने के बाद वो दूध अपने आप जाता है सर। अच्छा, ये जो आ रहा है ये वेस्ट है क्या? पानी वेस्ट है, ये अभी काम खत्म हो गया है ना, वो कास्टिक डाल के धोते हैं, क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग होता है, क्लीनिंग कर रहे हैं। ओके ओके, कास्टिक यूज़ करते हैं वो क्लीनिंग के लिए। 90 डिग्री में पानी घुमाते हैं हम एक आधा घंटा, उसके बाद वो पूरा क्लियर हो जाता है, बाद में नया पानी डाल के वो क्लीन करके छोड़ देते हैं। मतलब क्लीनिंग के लिए अभी वो प्रोसेस चलता है? हाँ प्रोसेस, वो अभी गर्म होते रहता है ना, होमोजेनाइजर मशीन में होमोजेनाइज होके गर्म होता रहता है। ये होमोजेनाइजर जो मशीन है उसमें क्या होता है सर? उसमें वो दूध का एक क्वालिटी बन जाता है, वो पैट बाहर नहीं छोड़ते दूध का, अंदर ही उसको दूध एक फ्लेवर बना देता है। अच्छा सर, अच्छा, ये फ्लेवर और दूध की पैट अंदर ही रहता है, दूध बाहर पैट नहीं छोड़ते वो। अंदर ये गरम दूध डायरेक्टली वो होमोजेनाइजर में जाता है ना? हाँ, होमोजेनाइजर जाते जाते अंदर वो गरम होते होते होमोजेनाइजर होता रहता है। मतलब ये कनेक्टेड मशीन, कनेक्टेड मशीन। ये पनीर, पूरा पनीर के लिए? पनीर के लिए। और बाद में उसमें ही दही के लिए ये लगाते हैं, दही के लिए भी इसमें ही काम करते हैं सर। वो दूध उबालने के लिए वो 80 डिग्री में दूध उबाल के दही का रूम में ले जाते हैं दूध। ओके, मतलब दही भी होता है, पनीर भी होता है? हाँ, इसमें दोनों होता है। मतलब फिर अपने को टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा ना पनीर के लिए 90 डिग्री और दही के लिए 80 डिग्री। ओके, एक कवा का मशीन है ये, कौन सा कवा केटल बोलते हैं सर? वो मशीन में, इसमें ही हम कवा बनाते हैं और घी बनाते हैं और बासुंदी सब इसमें ही बनाते हैं। ओके, मतलब एप्पल सी है। हाँ, ये है कवा केटल और ये बासुंदी है। बासुंदी और कवा, घी इसमें ही बनाते हैं। और ये कौन, ये क्या है? ये बासुंदी है, रेडी हो गए बासुंदी। अरे वाह, कितना प्योर बासुंदी है, मतलब बहुत ही। इधर से वो दूध पनीर के लिए गर्म करके वो पाइपलाइन से आ जाता है। तो ये पाइपलाइन से अंदर पनीर के लिए दूध आता है, वो होमोजेनाइज हो गया ना सर? हाँ, होमोजेनाइज। इधर दूध आके टैंक में रहता है सर, वो टैंक से इधर लेके पनीर पोड़ते हैं इधर। डायरेक्टली गरम दूध रहेगा और गरम दूध रहता है, उसको 70 डिग्री पे लेकर आने का, बाद में वो पोड़ने का। सिट्रिक एसिड डाल के हम पोड़ते हैं। सिट्रिक एसिड डाल के पोड़ते हैं। अभी ये पोड़ने का प्रोसेस, ये फटा हुआ दूध रहेगा ना? हाँ, अभी पूरा? हाँ, अभी फटा है, अभी पोड़ रहे हो। बाद में इसको पोड़ने के बाद उधर साँचे में लगाते हैं, उसको एक ब्लॉक बनाते हैं। अच्छा, उधर मतलब पनीर के लिए ब्लॉक भी है, साँचा भी है आपके पास? सब पनीर पोड़ते हैं, ऐसा बना के एक आधा घंटा छोड़ते हैं, उसमें सब पानी जाता है। अच्छा। बाद में इधर बाहर रखते हैं। ओके, बाहर वो गरम, इसमें सादा पानी रहता है, गरम इसमें छोड़ देता है वो। बाद में ऐसा ब्लॉक बन जाएगा। बढ़िया, वो ब्लॉक बन के बाद में कोल्ड के लिए ये फ्रिज में रखा जाएगा। फ्रिज में रखा, तुरंत वो प्रोसेस फास्ट रहता है थोड़ा। वैसा ही कितना टाइम किसको देने का है, दे के उधर अंदर जल्दी जल्दी डालने का। पूरा पनीर का सेक्शन है जिसमें से आपने ये थोड़ा ठंडा किया हुआ दूध 70 डिग्री तक लाके इधर एक पूरा फटा हुआ दूध जो रहता है वो सब ब्लॉक्स में डालते हैं। उसके थ्रू हम शेप में, एक पनीर का शेप क्यूब जो होता है बड़ा, और उसमें लाते हैं। 8 किलो का लागे, एक ब्लॉक 7-8 किलो का रहता है। ओके, वैसे कितना होता है सर आप? अभी हम 2000 लीटर में 1000 लीटर पनीर बनाते हैं, एक 200 कवा, ऐसा आज का ऑर्डर क्या क्या ले के देख के उसमें लॉट बनता है। लॉट बना के उसको पानी, आज कितना पनीर करने का है और कवा और बासुंदी कितने करने का है देख के बनाते हैं। रोज़ तो 1000 लीटर का पनीर फिक्स है, वो बाद में ऐसा छोटा छोटा बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया। मत तो आप ये देख सकते हैं कितना एडवांस टेक्निक है। मैन पावर बहुत ही कम लग रहा है। प्लांट मैंने पनीर का देखा था, उसमें मैन पावर बहुत था और उतना क्लीननेस नहीं था। इधर आप देख सकते हैं कितना क्लीन प्लांट है, मशीन्स बहुत ही बढ़िया है और देख सकते हैं प्रॉपरली डिसिप्लिन तरीके से ये सब रखा हुआ है। वेल मैनेज प्लांट है और क्यूब्स के लिए वगैरह मोल्ड है और हर एक प्रोसेस होने के बाद वो क्लीन करके रखते हैं और मशीन ऑटोमेटिकली क्लीन होता है। आप देख सकते ही है कैसे पनीर हो रहा है। अभी वो फटा हुआ दूध देख सकते हैं आप, प्रॉपरली पनीर का फैट जो रहता है वो बाहर आ रहा है। अभी ये मोल्ड में, ये साँचा में डालेंगे ना अभी ये दूध? तो पनीर ऐसे रेडी हो गया। ये क्लॉथ भी बहुत ही क्लीन है, आप देख सकते हैं कितना क्लीन क्लॉथ डाल रहे हैं वो। ये ऐसे सिटीज़ में पनीर बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि इतना प्योरिटी ऑफ दूध और जो हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करके, मशीन्स वगैरह करके ये सब ऐसे इसमें ही गाँव में और स्टार्टअप अच्छे इसमें ही हो सकता है, क्योंकि पनीर का मलाई पनीर जो मिलता है इधर बहुत ही सॉफ्ट और हाई क्वालिटी पनीर रहता है, कुछ भी मिक्स नहीं किया रहता है। नहीं तो हम ये देखते हैं कि सिटीज़ में बहुत से जो डेयरी वाले प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो मिल्क पाउडर बहुत डालते हैं और उसकी वजह से स्पंजीनेस तो आता है, लेकिन वो पनीर का टेक्सचर, पनीर का क्वालिटी में फ़र्क आता है। मतलब आपको खाते समय ऐसे पाउडर लगेगा। तो ये रहा पनीर, आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना, मलाई पनीर बोलते हैं इसे, शेप। ये 7-8 किलो का रहेगा ना, ये 8 किलो का रहेगा, एक 7-8 किलो का ब्लॉक है और ये फ्रिज में रखा हुआ है। ये डायरेक्टली आप किलो वाइज देते हैं या पाँच? ओके, क्वालिटी कैसा मानते हैं? हाँ हाँ, बढ़िया। जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि पनीर एक कैसे होता है, मलाई पनीर जो रहता है वो गांव का और सिटी में कैसे फ़र्क रहता है। अब अभी ये मोल्ड में डाला है उसने और उसके ऊपर अभी ये वेट डालेंगे। ये फैट वाला पानी है जिसमें पनीर पूरा है। अच्छा, अभी ये दही इधर बनता है। ये देख, दही और लस्सी भी और ताक इसमें बन जाता है, तीनों का ये है। एक चक्का है लस्सी का है और एक ताक का है। सब बनाते बाद में इसमें करते हैं सब। ओके, ये भी हर रोज होता ही है? हर रोज मतलब अभी सीजन नहीं है, सीज़न के मतलब समर सीज़न के बाद, समर सीजन में होता है। दही तो रेगुलर रहता है और ये लस्सी और ताक का समर सीजन में शुरू हो जाता है, 3-4 महीना चलता है। चले, अभी है इसके अंदर? अभी कुछ नहीं है, अभी नहीं ना ऑर्डर। अभी सुबह दही था, वो दही खाली हो गया ना टाइम, और स्टोरेज है और इनक्यूबेटर रूम है और एक कोल्ड रूम है। एक दही के लिए वापरता है, एक सब मेटल रखने के लिए, कवा, ग्रीन पीस सब हम बेचते हैं, उसके लिए स्टोरेज किया है। ओके, कोल्ड स्टोरेज। अच्छा, इधर एक मशीन आने वाला है। अच्छा, पैकिंग मशीन वाला। तो ये रहा पनीर प्रोसेस प्लांट का सफ़र, जिसमें से अब हमको सब पता चल गया कि कौन सा मशीन यूज़ करते हैं, ये पनीर फूड इंडस्ट्री में कौन से मशीन्स लगते हैं और कितना पनीर मैन्युफैक्चर होता है डेली प्रोसेस होके। ये सब दिखाने का एक मेरे को मकसद था और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया। तो लाइक ज़रूर कीजिए। और ये दिखा रहे हैं सर जी, अच्छा ओके, सब पुली के थ्रू ही होता है हैंडल। बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है, मैन पावर जिसमें से कम लगता है, अच्छी बात है। ये आपने ये मशीन कहाँ से लिया था? इधर वो पुणे से लिया है। तो सर ये कौन सा बॉयलर है, मतलब क्या यूज़ होता है इसका? इसमें हॉट वाटर का बॉयलर है सर। वो इसमें पानी डालने के बाद और लगने के बाद उसमें स्टीम रेडी हो जाता है। ओके, और ये स्टीम हम अंदर ये पनीर प्लांट में लाते हैं, यूज़ करते हैं। 6 कैलोरी का है वो, 300 कैलोरी। हाँ, 300। अच्छा, वो उसका 1 घंटे में ऐसा रहता है, वो बड़ा वाला भी रहता है, छोटा वाला भी रहता है। हमको ये हमारे काम के लिए सही है, के लिए सही है, बढ़िया। और उधर से गर्म पानी आता है, ये पानी से पानी स्टीम होने के अंदर जाता है। वो अंदर जाने के बाद हम क्या क्या यूज़ कैसा करने का, वो हम यूज़ अंदर करने का। ओके, बढ़िया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोसेस प्लांट ऑफ पनीर एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप। I will try to make more videos, more interesting videos like this, and yeah, thank you.